नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग एक स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं वो अदानी गैस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अदानी गैस का वेबसाइट दिख रहा है। दोस्तों, अदानी गैस जो है पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के व्यवसाय में है। और दोस्तों, पिछले फिनेंशियल ईयर में अदानी गैस लिमिटेड को 25 ज्योग्राफिकल एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार। अदानी गैस लिमिटेड का बिजनेस ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। अदानी गैस लिमिटेड जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पाइपलाइन के जरिए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर को तथा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सप्लाई करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि अदानी गैस लिमिटेड का मुख्य बिजनेस गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। दोस्तों, इंडिया में ये बिजनेस अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पर है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करेगा। जैसा कि हम लोग अभी अपने घरों में देख रहे हैं कि घर के यूज के लिए हम लोग सिलेंडर का यूज करते हैं, वो आने वाले समय में यही गैस पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक, किचनों तक पहुंचेगा, तथा यही गैस जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए पाइपलाइन के ही जरिए इंडस्ट्रीज वगैरह को भी मिलेगा, तथा यही गैस जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए पाइपलाइन के ही जरिए इंडस्ट्रीज वगैरह को भी मिलेगा। जैसा कि आप अभी बड़े शहरों में तथा कुछ छोटे शहरों में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर देख रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में भी ये अदानी गैस लिमिटेड काम कर रही है। इसलिए दोस्तों, भविष्य के नज़रिए से ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है, उसके चलते ये सारा काम स्टार्ट हो गया है पूरे इंडिया में। इस सेक्टर में जो अन्य कंपनियां काम कर रही है वो महानगर गैस लिमिटेड है, गेल इंडिया है और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है। तो इसमें से कुछ कंपनियां कुछ सीमित दायरों में ही काम कर रही हैं, जबकि अदानी गैस लिमिटेड को, जैसा कि मैंने बताया है कि इनको अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में 25 ज्योग्राफिकल एरिया में इनको अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, ये जो कंपनी है IOC के साथ भी टाई अप किए हुए है, और एक अन्य कंपनी के साथ टाई अप करके ये पूरे हिंदुस्तान में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिछा रही है, कोशिश की है। उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आप बैगनी रंग में देख रहे हैं, ये अदानी गैस लिमिटेड का जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो क्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं वो एक कंपनी IOAGPL से टाई अप की है, उसका कार्य क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये दोनों कंपनी मिल करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया के मोर देन 50% एरिया को, ज्योग्राफिकल एरिया को ये कवर करेंगी, और उसमें अपना गैस सप्लाई का काम। दोस्तों, अदानी गैस लिमिटेड जो है अभी उसका बाज़ार भाव 155 रुपये चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 184 रुपये था, अब 52 वीक लो 85 रुपये था। दोस्तों, अदानी गैस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि अभी अवेलेबल है, 2 साल का है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कंपनी जो है 2018 में 1374 करोड़ का बिजनेस की थी, और मार्च 2019 में इन्होंने 1719 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 27% रहा था 2018 फिनेंशियल ईयर में, और मार्च 2019 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% रहा था। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है दिसंबर 2017 में 328 करोड़ का सेल्स दिखाया था, मार्च 2018 में 446 करोड़ का सेल्स दिखाया गया था, जो कि बढ़ते हुए जून 2019 में 451 करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया था। इस प्रकार दोस्तों, अगर हम लोग एनुअल रिजल्ट से कंपेयर करें तो इन्होंने
मार्च 2019 में 1719 करोड़ का बिजनेस किया था। उस हिसाब से चूँकि अभी हाफ ईयर गुजर चुका है, तो आप देख सकते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर इन्होंने 1 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने हाफ ईयरली बेसिस पर 917 करोड़ का बिजनेस दर्ज कर लिया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि एनुअल बेसिस पर ये लोग मोर देन 1800 करोड़ का बिजनेस रिपोर्ट करेंगी, जो कि मार्च 2019 के बिजनेस से ये ज़्यादा रहेगा। यानी कि जैसा कि कंपनी ने बताया है अपने एनुअल रिपोर्ट में कि ये इनको 25 ज्योग्राफिकल एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राप्त है और इन्होंने कई शहरों में अपना काम स्टार्ट कर दिया है, कई शहरों में अपना इन्होंने गैस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू भी कर दिया है। जैसा कि आप अदानी गैस के वेबसाइट में देख रहे हैं, इन्होंने अपना पीएनजी और सीएनजी के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित कर लिया है कनेक्शन सप्लाई करने के लिए, और इनका 24 आवर टोल फ्री नंबर भी काम कर रहा है। इस कंपनी के ओवरव्यू में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये 5 ऑपरेशनल सिटीज़ में काम कर रहे हैं और 71 डिस्ट्रिक्ट में इनका अभी प्रेजेंस है, और इनका 82 सीएनजी रिफिलिंग सेंटर्स हैं, और इनका जो पाइपलाइन नेटवर्क बिछा है वो 6500 करोड़ प्लस है। अभी इनके जो क्लाइंट बेस हैं वो 1300 प्लस इंडस्ट्रियल क्लाइंट बेस हैं और 2500 प्लस कमर्शियल क्लाइंट बेस हैं। अभी तक इन्होंने 380,000 रेसिडेंशियल अभी तक इन्होंने 380,000 रेसिडेंशियल कस्टमर बना लिए हैं। इनका एबिटा मार्जिन जो है वो इनका एबिटा मार्जिन और एबिटा इस ग्राफ में दिखाया गया है, जिसमें कि फिनेंशियल ईयर में इनका एबिटा और इबिटा मार्जिन इस ग्राफ में दिखाया गया है। आप यहां जैसा कि देख रहे हैं, फिनेंशियल 2015 में इनका एबिटा 233 करोड़ था, जबकि एबिटा मार्जिन 16.4% रहा था। 2016 में 288 करोड़ का एबिटा था, जबकि मार्जिन 23.9% रहा था, जो कि फिनेंशियल ईयर 19 में आते आते इनका एबिटा 541 करोड़ रुपया का हो गया और इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 30% का हो चुका है और प्रॉफिट का ग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें 2015 में इन्होंने 95 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि इनका मार्जिन 6.7% था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज जो प्रॉफिट है इनका 229 करोड़ हो चुका है और इनका मार्जिन जो है बढ़ करके 6% से बढ़ करके 12% हो चुका है तो दोस्तों, जैसा कि अदानी गैस के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए इनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंपनी अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है और इनको काफ़ी शहरों का गैस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस प्राप्त है, जिस पर ये कंपनी लगातार काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में वो जो घर में सिलेंडर चल रहे हैं उनका भी रिप्लेसमेंट होगा और औद्योगिक क्षेत्रों कमर्शियल जगहों में जो हम लोग विभिन्न प्रकार के फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट सारा गैस से होने वाला है। तो इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जैसा कि इनके फिनेंशियल रिपोर्ट से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डे बाय डे ईयर बाय ईयर ऑन ईयर इनका जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो मेरी समझ से ये आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। ये जो शेयर है निम्नतम
लगभग 78 रुपये में ट्रेड किया था, उसके बाद आज की डेट में ये लगभग 155 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अभी इस शेयर का प्राइस मूवमेंट जो है साइडवेज है, इसलिए इस शेयर को अगर हम लोग ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े मात्रा में अलग अलग समय अंतराल के अनुसार हम लोग इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये शेयर तुरंत तो चलने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको SIP के रूप में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है इन्वेस्टर को काफ़ी तगड़ा रिटर्न दे सकता है।